आदाब नमस्कार। हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों की जो परेशानी है, जो चिंता है, उसको मैं भी व्यक्त करता हूँ। बड़े उम्मीद से हिंदुस्तान के लोगों ने आदरणीय मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री चुना, और जो उन्होंने सपने दिखाए थे, चाहे वो 15 लाख का सपना हो, लेकिन उससे ज़्यादा अहम जो 2 करोड़ नौकरियाँ प्रति वर्ष देने का वादा किया, जिससे हमारे हिंदुस्तान के युवा काफ़ी उम्मीद जगी उनमें, उन लोगों ने उस वादे पे इस सरकार को मौका दिया। और हम देख रहे हैं 2 करोड़ सालाना नौकरी तो छोड़िए, पिछले 6 सालों में जो 12 करोड़ हमें नौकरियां अपने बच्चों को मिलनी चाहिए थी, हिंदुस्तान के युवाओं को मिलनी चाहिए थी, वो तो दूर की बात रही। पिछले कई महीनों में ये देखा गया है, जो अर्थव्यवस्था इनके सरकार के वजह से हिंदुस्तान में आई है, और कोविड के पैंडेमिक के वजह से जो इन्होंने जिसको ठीक से नहीं पड़ख पाए और ना ही कंट्रोल कर पाए, उसके तहत 12 करोड़ नौकरियां हमारे लोगों की गई हैं। तो कुल मिला के लगभग 30 करोड़ हमारे लोग आज के दिन बेरोजगार बैठे हैं, जबकि उनके वादे के मुताबिक अगर 2 करोड़ नौकरियां आती तो शायद 5 से 6 करोड़ लोग अभी बच जाते, और अगले 2-3 सालों में उनको भी नौकरियां मिल जाती। तो मैं अपने युवा कांग्रेस साथियों के जो मुहिम है उसका समर्थन करता हूं, और मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को अपील करता हूं कि अपनी आवाज बुलंद करिए, हिंदुस्तान को बचाइए, और अपने जो युवा साथी हैं उनके हक के लिए आवाज उठाइए। हमें नौकरी चाहिए। हम देख रहे हैं इसका जो बुरा नतीजा क्या क्या हो रहा है, लड़ाई मार बढ़ गई, हिंसा बढ़ गई, आत्महत्याएं हो रही हैं, तो कौन बचाएगा इस मुल्क को? ये हम सबका मुल्क है, और खास करके जो हमारे हिंदुस्तान में युवा हैं, ये उनका मुल्क है। इसलिए हम लोग इस अन्याय के खिलाफ, इस क्रूरता के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ हम सब मिलके, हमारे यूथ कांग्रेस साथियों के साथ मिलके हम लोग आवाज उठाएं, और इसका फ्रूटफुल कोई सोल्यूशन निकले। जो भी सरकार आज हमारे मुल्क को शासन कर रही है, जो भी हमारे प्रधानमंत्री, हम सब जानते हैं आदरणीय मोदी जी को, जो उन्होंने वादा किया है उसको निभाने का वक्त आ गया है। मेहरबानी करके जो आपने वचन किया था वो आप निभाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।